हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता अड्डा पर। और आज 12 फरवरी 2021, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी। चेतावनी क्यों दी है? युद्धपोत की मौजूदगी होने के कारण। और किस स्थान पर है युद्धपोत की मौजूदगी? पार्सल द्वीप समूह पर। ये दक्षिण चीन सागर के अंदर है पार्सल द्वीप समूह, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो युद्धपोत है ये किसका है? ये यूएसए का है। तो यूएसए का जो युद्धपोत है वो कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास। इसकी मौजूदगी होने पर उसको चेतावनी दी है चीन ने। किसने दी है? चीन ने दी है। अब चीन ने यूएसए को क्या दी है? चेतावनी दी, एक प्रकार से धमकी या वार्निंग आप इसको समझ सकते हैं। चाइना की अगर आपसे बात करें तो चाइना की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ चाइना है बीजिंग। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना हमारा पड़ोसी देश है चीन। बात यहाँ पर मिले हमें अन्य विकल्पों की अगर हम आपसे करें तो श्रीलंका की दो राजधानियाँ हैं। कितनी? दो राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। एक राजधानी यहाँ की कोलंबो और दूसरी यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। तो दो राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी? कोलंबो व श्री जयवर्धनापुरा कोटे। तो श्रीलंका की राजधानी है। अब यहाँ पर बात अगर हम आपसे पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर विकल्प में तो है ही। तो पाकिस्तान की कैपिटल यानी कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं इमरान खान। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें यानी कि राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के, तो वह हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पंचायत कोटे में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने पंचायत कोटे में हाल ही में संशोधन किया है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने किया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ यूपी, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है लखनऊ। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अधिकांश क्वेश्चन को देखा गया है जो पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। एक और चीज़, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो खंडपीठ भी कहाँ पर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात आपसे राज्यपाल की करें यानी गवर्नर ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में अगर आपसे बात करें कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी सारस अथवा करौंच है। और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह यहाँ का मछली है। और राजभाषा यहाँ की हिंदी और द्वितीय स्थान पर उर्दू है। तो अगर यहाँ पर दिए गए अन्य विकल्पों की बात करें, इसका सही उत्तर तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना कि मंत्रिमंडल जो है जिसने संशोधन किया है पंचायत कोटे में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने किया है। अन्य विकल्पों की अगर आपसे बात करें, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों की अगर आपसे बात करें, तो एक बात आपको याद रखनी है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है, यानी कि हरियाणा की भी और पंजाब की भी। और इन दोनों राज्यों का जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट भी इनका चंडीगढ़ के अंदर ही, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। अगर आपसे हम बात करें इन दोनों राज्यों के अंदर सरकारें किस किस की हैं, अगर आपसे बात करें हम पंजाब की, तो यहाँ पर सरकार है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की। और जो यहाँ के CM हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं पंजाब राज्य के। और पंजाब जो सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है पंजाब, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात अगर आपसे हरियाणा की करें, तो हरियाणा के अंदर BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य के, ये बात आपको याद रखनी है। और हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इसके मुख्य रूप से इसके पड़ोसी राज्य हैं। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश की भी सीमा मिलती है और इससे हिमाचल प्रदेश की सीमा भी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने वाला 12वां राज्य कौन बना है? तो 12वां राज्य बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करने वाला, तो 12वां राज्य बना है राजस्थान। कौन बना है? अब राजस्थान बना है। राजस्थान राज्य की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इस राज्य के अंदर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस से ही हैं। राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ राजस्थान है कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। कहाँ के? राजस्थान के राज्यपाल हैं। अभी हमने जैसा कि पीछे पढ़ा तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है ये। कौन से? अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए कि जैसे कि पूछा जा सकता है कि पंजाब किस देश के साथ सीमा बनाता है या फिर उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है, उसी प्रकार से राजस्थान जो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ बनाता है। यहाँ पर जो हमें इन विकल्प मिले हैं उनकी अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें ओडिशा मिला है, ओडिशा यानी केरल मिला है। तो ओडिशा की बात पहले आपसे कर लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसे ओडिशा भी कहा जाता है। ओडिशा इस प्रकार से वर्तमान समय में ओडिशा है। तो ओडिशा की जो राजधानी कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल राज्यपाल हैं ओडिशा के। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा केरल, सॉरी इसके अंदर जो अगला विकल्प है हमारा नेक्स्ट विकल्प है केरल। केरल की अगर बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के? केरल के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ केरला हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं? तो हाल ही में ग्लेशियर फटने को लेकर चर्चित है, पूरी चर्चा के अंदर है कौन? उत्तराखंड। तो इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इसरो ने उत्तराखंड के अंदर जो किस हमें बताना है, क्वेश्चन अगर पूछा गया है, जो इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं उत्तराखंड के अंदर किस जिले के अंदर ग्लेशियर फटा है? तो जो ग्लेशियर फटा है, जो जहाँ से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी तस्वीरें इसरो ने जारी की, जो ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई है ये हुई है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के चमोली के अंदर ये ग्लेशियर फटा है, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर बात आपसे करें यहाँ पर इसरो के बारे में, अगर यहाँ पर जो अन्य विकल्प मिले हैं देहरादून हो हरिद्वार हो, तो ये दोनों भी उत्तराखंड के ही जिले हैं, चमोली, देहरादून और हरिद्वार। और देहरादून तो एक राजधानी भी है उत्तराखंड की। अब ये तस्वीरें इसरो ने जारी की। इसरो की अगर आपसे बात करें तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी यानी कि इसरो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ इसरो है बेंगलुरु में, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्तराखंड राज्य के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आज की चर्चा में भी है और हमारे परीक्षण केंद्र तो है ही। उत्तराखंड की अगर आपसे बात करें, उत्तराखंड जो राज्य बना है इसका नाम था उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल एक नया राज्य बना था कब? जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य गठन हुए 2000 के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल ये 3 नए राज्य बनाए गए थे। और जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गठन 2000 में, तो उत्तरांचल जो था इससे लगभग उत्तर प्रदेश के 13 जो जनपद थे, 13 जो डिस्ट्रिक्ट थे, 13 जिले थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले किसके, यूपी के, उनमें से विभाजित करके एक नया राज्य उस समय उत्तरांचल बनाया गया था। लेकिन इसकी उत्तरांचल को क्या किया गया 2007 में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में। नाम परिवर्तन कब हुआ? 2007 में हुआ। और इसका गठन कब हुआ? 2000 में हुआ, जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य बने, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। अब बात कर लेते हैं यहाँ की राजधानी के बारे में। तो राजधानी है यहाँ की क्या? देहरादून और गैरसैंण, यहाँ की दो राजधानी हैं उत्तराखंड राज्य की। नैनीताल के अंदर यहाँ का क्या है? नैनीताल के अंदर है यहाँ का हाई कोर्ट। नैनीताल में हाई कोर्ट है, कहाँ का? उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल के अंदर। अब बात अगर आपसे मुख्यमंत्री के बारे में करें कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री ने क्या नियुक्त करने का फैसला क्या है? एक स्टार एथलीट हिमा दास, इनको काफ़ी चर्चा के अंदर रही थी पहले, तो हिमा दास, तो इनको असम के मुख्यमंत्री ने DSP बनाने का फैसला लिया है। क्या बनाने का? DSP बनाने का फैसला लिया है। किसने? असम के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री ने लिया है। असम की अगर आपसे बात करें, असम की कैपिटल यानी कि राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल हैं असम के जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल, सर्बानंद सोनोवाल हैं असम के क्या? मुख्यमंत्री। और असम की राजधानी दिसपुर है, ये बात आपको याद रखनी है। हिमा दास से एक और क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है, पूछ जा सकता है कि ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, या फिर ये पूछ सकता है कि हिमा दास को क्या कहा जाता है। तो इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इनकी दौड़ जो है वो बड़ी शानदार है, बहुत तेज़ी दौड़ती हैं। तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी हिमा दास को जाना जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, आईपीएल के आगामी सत्र के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय बांगड़ को किस टीम ने बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है। आईपीएल का जो होने वाला आगामी सत्र है उसके लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज है संजय बांगड़, इनको किस टीम ने अपना बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है। तो इनको अपना बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना क्या नियुक्त किया है, बैटिंग सलाहकार। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रहे हैं संजय बांगड़। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, तुर्की ने स्पेस प्रोग्राम की घोषणा कर किस साल में चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो चंद्रमा पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है किसने? तुर्की ने। स्पेस प्रोग्राम किसने घोषणा की है? तो तुर्की ने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है, टर्की की बात हो रही है, तुर्की कह सकते हैं आप, टर्की कह सकते हैं, टर्की इंग्लिश के अंदर, और हमारे रूप से अगर हम सामान्य हिंदी या उर्दू में कहें तो तुर्की। तो ये 2023 का इसने लक्ष्य रखा है तुर्की ने। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तुर्की की, तुर्की एक देश है, यहाँ की राजधानी अंकारा है और राष्ट्रपति यहाँ के रजब तैयब एर्दोगान है। कौन? रजब तैयब एर्दोगान। एक बात और यहाँ से विशेष रूप से जानने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री, यानी कि जिस प्रकार से मतलब मुस्लिम ज़्यादा है समझ सकते हैं, मुस्लिम कंट्री। लेकिन एक और जो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ तो ये बात भी जानना आवश्यक है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनसे भी आपको जुड़े रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे कि अभी ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर किया था। हालांकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है और ईरान भी, दोनों मुस्लिम मुल्क हैं। हालांकि उसने ईरान ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ऐसा नहीं होता कि कौन किस प्रकार से, सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीतियाँ होती। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था तुर्की के बारे में। सऊदी अरब का मैं नाम यहाँ पर आपको क्यों लिख कर दिखा रहा, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की का 36वां आंकड़ा है, इन दोनों के अंदर देशों के अंदर नहीं बनती है, तो दोनों के अंदर काफ़ी इनके अंदर तनाव अक्सर रहता है, तुर्की और सऊदी अरब के अंदर, ये दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं रहते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यहाँ पर हमें जो नीचे अन्य विकल्प मिले हुए हैं इनकी अगर हम आपसे बात करें, तो अगर हम बात करें यहाँ पर राजनाथ सिंह के बारे में, तो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अमित शाह की अगर आपसे बात करें तो अमित शाह हैं हमारे देश के गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन ऑयल ने किस बैंक के साथ समझौता किया। तो इंडियन ऑयल ने जो समझौता किया है वो हाल ही में क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ? पीएनबी के साथ समझौता किया है किसने? इंडियन ऑयल ने। अब इंडियन ऑयल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इंडियन ऑयल की अगर आपसे बात करें तो इंडियन ऑयल की स्थापना 30 जून 1959 में हुई थी, यानी कि 1959 में, 30 जून 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंडियन ऑयल की। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर यानी कि नई दिल्ली में है इंडियन ऑयल का। पंजाब नेशनल बैंक की अगर आपसे बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 9 मई 1894 को, कहाँ पर? लाहौर में। तो 9 मई 1894 को लाहौर में स्थापना हुई। मुख्यालय इसका द्वारका में नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में द्वारका में, कहाँ पर? द्वारका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब स्थापना लाहौर में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस समय 1947 में देश का विभाजन हुआ, जाहिर सी बात है ठीक है लाहौर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन लाहौर उससे पहले हमारा भारत का हिस्सा था, पूरा पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, लेकिन फिर विभाजन हो गया और उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली आ गया। तो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की, लेकिन मुख्यालय इसका द्वारका दिल्ली में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। पंजाब नेशनल बैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अन्य विकल्पों की अगर हम आपसे बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की अगर आपसे बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर, लेकिन कोलकाता में स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में। अब आप कहेंगे जैसा मैंने आपको अभी लाहौर और दिल्ली का मसला समझाया, दोनों ही हमारे देश में, बिल्कुल हमारे देश में, लेकिन 1937 में क्या हुआ था, जो इसकी स्थापना तो कोलकाता में हुई, 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता से कहाँ पर? कोलकाता से 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई। तो अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता, और पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर आरबीआई का, तो मुंबई के अंदर स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। डेट याद रखनी है। एक बात और आपको याद रखनी है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। किसके? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक बात और इनसे याद रखनी है, ये जो गवर्नर हैं ये 25वें गवर्नर हैं, इनसे पहले यानी कि 24 गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने अभी बात की थी आपने, जैसा कि देखो कोलकाता की हमने यहाँ पर बात की, तो कोलकाता कहाँ की राजधानी है? कोलकाता कैपिटल ऑफ पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल है। कोलकाता राजधानी पश्चिम बंगाल की, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है?
ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इस राज्य के अंदर किसकी सरकार है? तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की। अभी हमने यहाँ पर बात की थी मुंबई की, क्योंकि मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय है। तो मुंबई की अगर आपसे बात करें, तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। क्या? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो है, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र राज्य के, ये बात आपको याद रखनी है, भगत सिंह कोश्यारी। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स, इसके अंदर हमें सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और आरबीआई के बारे में हम कवर कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।